तो सर आजकल आपकी बयानबाजियां बहुत ज्यादा सुर्खियों में है क्या बात है आजकल आप बड़ा मुखर होकर बात कर रहे हैं ये बदले बदले से तेवर क्यों आपके मैं तो सीधे कटाक्ष के साथ में सवाल के साथ में शुरुआत करूंगी पैदल तो आपके चैनल को आपके दर्शकों को आपकी टीम को बधाई देता हूँ कि कम से कम हम एक नदी के किनारे जंगल के बीच में और एक ऐसे क्षेत्र जो शहरों से कोसों दूर रहा हो उसकी आवाज को आपने आज अपने प्लेटफार्म पर दिया कि जो हमारी सोच हो उसको जनता तक पहुंचे है। कहते हैं कि आज के दिन में कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स जो इतिहास होती है वो राजनीति की मां होती है और आंदोलन उसका जो है बाप होता है और आंदोलन एक आवाज होती है और अगर आवाज नहीं है तो वो नेता कौन सा है अगर हम अपने समाज और अपने क्षेत्र की जनता पूर्वांचल के गरीबों शोषितों वंचितों की आवाज है तो आवाज को तो मुखर होके बोलना ही पड़ेगा क्योंकि सच्चाई हम नहीं बोलेंगे तो कौन विश्वास करेगा विश्वास तभी उनका हम जीत पाएंगे जब उनके उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे तो जिस वादे के साथ हम यहां पहुंचे हैं वकील बन के तो वकील का काम ही है कि जज के सामने अपनी बात रखे बेशक जज जनता होती है और जनता अपने वोटों से किसी को नेता और सरकार बनाती है तो सरकार के सामने अपनी बात को रखना ही पड़ेगा चूंकि वकील का काम है वकालत करना इसलिए जब भी हमें अवसर मिलता है तो अपनी बात रखते हैं अच्छा तो आपने क्योंकि बात कही कि जनता की आवाज को जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना तो ऐसी क्या वजह रही कि आप लोग प्रयास करते रहे लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में जो आप लोगों ने मिशन एटी तय किया था वो अचीव नहीं कर पाए क्योंकि अब तो वक्त काफी हो चुका है काफी मंथन चला होगा तो कुछ प्वाइंट हो पाए क्लियर की क्या क्या कुछ रीजन रहे देखिये मैं भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल हूँ एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारी पार्टी का एक मिशन और विजन अलग है भारतीय जनता पार्टी ने जो मिशन एट्टी तय किया था उसमें हम सहयोगी थे बेशक हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए लेकिन जितना भी हमें अपने समाज का वोट दिलाना था उसमें जो हमारा जो अचीवमेंट था कि लगभग जब से मैं आया हूं सबसे मछुआ समुदाय का जब मैं नेतृत्व करना शुरू किया क्योंकि उससे पहले इसको बिकाऊ पियाओं कहा जाता थे ये जो है कमजोर है ये बिखरे हुए समुदाय है जातियों में बटे हुए हैं क्योंकि हमारे समाज को एक समझा दिया गया था अलग अलग उपजातियों को केवट मल्ला पिंद कश्यप कहाार को कि भाई सौ की नोट है तुम अलग अलग टुकड़े में बांट लोगे तो पीस बीस रुपये में चल जाएगा पांच टुकड़े में बांट दिया था लेकिन मैंने उनसे कहा जैसे नोट टुकड़े में हो जाएगा वो कोई कीमत नहीं है इसलिए आप सब लोग एक हो जाओ निषाद राज के किले पर उन्हें संकल्प लिया तो मैं आज उनको जो संकल्प दिया है उसके वजह से जो मछुआ समुदाय अपने आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी के लिए अपना काम किया कि संविधान को अगर बनाने में इस देश के राष्ट्रभक्ति में इस देश को आजाद कराने में कभी राम को गंगा पार किया था और मुगलों अंग्रेजों को भी मौत का घाट उतारा था और उसके बाद देश को आजाद कराने में इनकी भूमिका रही है और क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी समय अंगार उन्नीस सौ उनचास पचास के अनुसार ये पांच सौ अठहत्तर जातियां ऐसी है, है जो देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका है और इन्हें कानून बनाने को उजाड़ा है वो आज पाइपलाइन में है रोड पर है आज के पॉलिथीन में बैठे हुए हैं उनका इतने दोष है कि उन्होंने अंग्रेजों और मुगलों को इस देश से आजाद में उन्हें मारकर भगाया था वो आज के दिन में वह कमेटी का रिपोर्ट कूड़ेदान में है उसे हक हिस्सा मिल जाए उसकी आवाज उठाना मेरा काम था तो ऐसे जातियों को जगाने में सबसे पहले मैं जिस वंश में जन्म लिया निषाद राज के वंश में तो वो जो बिखरे हुए लोग अंग्रेजों ने उजाड़ा था उन्हें जगाकर इकट्ठा किया उन्हें राजनीतिक चेतना लाया तो आज के दिन में हमारा जो वोट बैंक है वो आज जिसके साथ है हम जहाँ चुनाव लड़े भले हार गए हों लेकिन अगर आप वहां वोटों का प्रतिशत देखें निषादों का तो पांच सौ बूथ था उसमें पांच बूथ में निषादों का जीता हूं और जो हमारे प्रत्येक आगे थे उनका भी बूथ मैं जीता हूँ तो अगर निषाद समुदाय मेरे साथ खड़ा है तो मैं इसके मतलब हम उस मिशन अस्सी के साथ जितनी हमारी क्षमता थी वो खड़ा था और बेशक कभी कभी राजनीति में हो जाता है कि भ्रम भय और लोगों के अंदर ऐसे वातावरण पैदा किए जाते हैं और जो इतिहास रहा कांग्रेस का रहा सपा का बसपा का कि लोगों के अंदर भय पैदा करके वोट लिया गया चाहे वो अंग्रेजों से भय पैदा किया मुगलों से भय पैदा किया गया फिर लोगों के विदेशी ताकतों से भय पैदा किया गया फिर इसमें लोगों के माध्यम से भय पैदा किया आरक्षण का या संविधान का क्योंकि हमारे समुदाय को तो आरक्षण मिला ही नहीं तो जो आरक्षण का लाभ लेती रही जातियां वो उनको लगा कि नहीं अगर मिशन अस्सी पूरा हो जाएगा चार सौ पार हो जाएगा तो मेरा आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हम ज्यादा जो आरक्षण का लाभ लेते नहीं ले पाए और निशाद तो आरक्षण पाए नहीं वो कहें भयभीत होगा निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ दस बीस परसेंट वोट चला गया लेकिन आज मछुआ समुदाय का वोट उनके साथ है और बाकी मंथन हो रहा है कि किनके कारणों से हार हुई है चूंकि हार और जीत ये राजनीति का एक हिस्सा है और निश्चित रूप से हार के कारणों का जब पता चल जाता है तो आगे हम लोग बेहतर ढंग से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे हम जनता ने आपका साथ दिया पर आप उनकी नैया कितनी पार लगा पाए हैं अब तक आज के दिन में देख सकते हैं कि एनडीए में कई घटक दल थे और उनके वजह से बड़ी पार्टी कांग्रेस और सपा थी और जो वोट प्रतिशत उनको मिला है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम निषाद पार्टी अपना दल है और जो है आज जो है आरएलडी आ गई तो केवल पौने दो परसेंट वोटों का अंतर है ये कह सकते हैं कि हम लोग उसे केवल पौने दो परसेंट के वोटों के अंतर की वजह से आज इतनी सीटें आई हैं, है। और बेहतर परिणाम आएगा दो में आप देखिएगा क्योंकि जो झूठ बोला गया था साढ़े आठ हजार का झूठ बोला गया था एक लाख का जो फार्म भरवाया गया था तो चूंकि यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो है वह कोरोना में ही पता चल गया था कि हमारे देश में श्रमिक कितने हैं शिक्षा का अभाव कितना है रोजगार का अभाव कितना है लोग बाहर कमाने गए तो जो लगभग सत्तर साल का दर्द है वो कोरोना में नजर आया था कि कितने लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में बसते हैं तो जिस प्रदेश का लगभग चालीस परसेंट वोट पैंतीस से चालीस दूसरे प्रदेशों में कमाने जाता हो तो उनका वोट किस तरीके से मूवमेंट किया जा सकता है उसका रिजल्ट रहा आज के दिन में तो आगे हम लोग बेहतर परिणाम लाएंगे ये मेरा कहने का मतलब है यूपी में बहुत सारे अभी काम है करने के लिए बाकी वहां पर जाति पर जंग क्यों छिड़ी है आजकल बात तो विकास की आप सभी लोग चाहे एनडीए के घटक दल की बात हो बीजेपी की बात हो हर कोई विकास की बात करता था तो आज जाति की बात क्यों होने लगी है यूपी में देखिए जातियों का जाति पैसा था बाद में जातियों के आधार पर समाज का निर्माण हुआ है भारत में संविधान में जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था है जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी होते हैं उन्होंने व्यवस्था डीएम जाते हैं और डीएम अपने अधीन लोगों को जाति प्रमाण पत्र देते हैं चाहे पिछड़ी जाति का हो चाहे अनुसूचित जाति का चाहे अनुसूचित जनजाति का हो ये जो जिनको एक प्रमाण पत्र मिलते हैं जब इस संविधान में जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था है तो जातियों के आधार पर लोगों ने अपने समाज को खड़ा किया आपने देखा होगा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिन जातियों को सत्ता हासिल हुई वो जब भी मौका मिला है जो मैं कह रहा है मुखर हो बोलते हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से आते ही अपने सेक्रेटरी बदलते हैं अपने डीएम बदलते हैं अपने एस बदलते हैं अपने जितने भी व्यवस्था के जो अर्थव्यवस्था हो चाहे सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो पद होते हैं वो सरकार अपने हिसाब से बदलती रही है और उसका लाभ जो होता है आप देखे होंगे कि मनोबल बढ़ जाता है उसी मनोबल के साथ लंबे समय तक माननीय मुलायम सिंह जब आए तो जिस समुदाय को क्या कहा जाता था जिनको कमजोर बड़े पिछड़ा दिमाग है या नहीं हो सकता है लेकिन जैसे ही आप राजनीति में आए देखा होगा कि उनके लोगों ने अपने हर क्षेत्रों में प्रतिभा प्रतिभा उन्होंने प्रतिभाशाली थे लेकिन कांग्रेस उनके प्रतिभाओं का हनन करती थी लेकिन जैसे ही माननीय मुलायम सिंह आए आप देखेंगे कि जितने भी प्रतिभाशाली लोग थे अपने अपने जगहों पर आए अपने प्रतिभा जहां चाहे वो पुलिस का क्षेत्र हो चाहे वो पढ़े लिखे क्षेत्र हो चाहे दौड़ का खेल कूद का हो चाहे किसी तरीके से प्रतिभा का जो हनन होता था वो कम से कम उनके नेता से आने से वो हनन खत्म होगा गया मानी जब राम साहब आए तो उनके भी समाज में बहुत ज्यादा प्रतिभा का हनन होता था लेकिन जैसे वो आए तो आप प्रतिभाशाली लोग अवसर प्राप्त कर लिए तो आज देखो कि सामाजिक न्याय समिति की समित के रिपोर्ट के अनुसार उनका डॉक्टर संजय आए आज के दिन में नेतृत्व कर रहे हैं आज के दिन में हमारे प्रतिभाशाली लोग हैं देखो एसडीएम बन रहे हैं कहीं देख लोग अधिकारी बनते हैं कैसे खेल में आ जाते हैं कहीं आ जाते हैं व्यापार में आ रहे हैं अब एक एक करोड़ पचप करोड़ की मिल लगा रहे हैं तो कम से कम व्यापार में आने का उनके अंदर एक आया कि नहीं एक नेता है हमारा सपोर्ट करेगा कोई अधिकारी कर्मचारी उनको तबाह नहीं करेगा लाइसेंसिंग सिस्टम सही हो जाएगा उनको जब भी अवसर मिलेगा तो लोगों को हम तो यही कहेंगे सभी जाति को राजनीति में आना चाहिए और अपने समाज को राजनीतिक सुरक्षा देनी चाहिए और राजनीति में उन्हें अवसर मिलना चाहिए क्योंकि राजनीति से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है हम तो कहते हैं जब लोकतंत्र की व्यवस्था हो गई है yeah. और राजनीति को चर्चिल ने एक बुक लिखा है और चर्चिल के अबाउट द पॉलिटिक्स नामक बुक के मेन पेज पर पे लिखा है द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रांग गॉड पावर राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है इन डेमोक्रेसी लोकतंत्र में उसके दूसरे पन्ने पर

guard in the democracy. वोटर जो है असली भगवान है वही भाग्य विधाता है इस लोकतंत्र में अगर वोटर भाग्य विधाता है तो समाज में काहे इधर उधर ठोकर ठोकर खाता है तो न खाए उसके लिए हर जाति के लोगों को राजनीति में आना चाहिए और अपने समाज का नेतृत्व करना चाहिए और संविधान में मिले हक की जितनी हिस्सेदारी बनती है उसको दिलाने की आवाज उठानी चाहिए आवाज जो रोड पर दबाई जाती है और सदन में पहुंचने के बाद उस पर कार्रवाई होती है तो सदन में पहुंचाकर अपने समाज के नेता को सदन में ज को आगे बढ़ाकर उनके समाज का भी हिस्सेदारी तय हो ये मेरा कहने का मतलब तब असली लोकतंत्र होगा तब राम राज हो ये मेरा कहने का मतलब लोकतंत्र में मतलब आप ये कह रहे हैं कि सबका समावेश होना बहुत जरूरी है हर 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 जाति समाज और मैं दूंगा माननीय प्रधानमंत्री को कि महिलाओं की संख्या महिलाओं का भी आधी आबादी है और महिलाओं का कोई नहीं सोलह साल प्रधानमंत्री रहे इंदिरा गांधी एक लाइन भी महिलाओं के लिए नहीं बताई दर्जन भर महिलाएं जो है मुख्यमंत्री रही लेकिन महिलाओं के सुरक्षा के लिए उनके विकास के लिए उनके सुरक्षा क्षा और उनके विकास और उनका समयोजन के लिए कोई सगे नहीं, नहीं मोदी जी आए देखो तैतीस परसेंट का आरक्षण इसीलिए दिया कि बिना आरक्षित किए कमजोर वर्ग जो है जो उपेक्षित है जो शोषित है या जिसको अवसर नहीं मिला है तो आरक्षण से उसे अवसर प्रदान होगा इसलिए हर तरह के लोगों को संख्या के हिसाब से उनका उस क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए मेरा पर एक हकीकत ये भी है कि उसके बाद हालांकि वो तो अभी लागू नहीं हुआ लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले में महिला सांसदों की तादाद कम हो गई तो यहां पर मुझे लगता है कि हमें वाकई विचार करने की आवश्यकता है देखिए वो तो सांसद चूंकि अभी उनका रिजर्वेशन नहीं है तो वो अपने हिसाब से जीतने और जिस तरीके से आप माहौल खड़ा था इस बार का उसमें तो बड़े बड़े लोग हार गए हैं महिला को हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो जब बड़े बड़े लोग उसमें वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है तो लेकिन जब रिजर्वेशन हो जाएगा तो उसमें निश्चित रूप से ऐसा अवसर महिलाओं को मिलेगा तो हम हर जाति हर समाज के लोग यही कहेंगे कि अपने घरों में भी अपने समाज की बहु बेटियों को जो इस लायक है जो राजनीति करने लायक है उन्हें कम से कम पॉलिटिकली ट्रेंड करना क्योंकि अभी तक लोकतंत्र में देखा गया कि जो पॉलिटिकली ट्रेंड है वो पावर और पैसे के मालिक है और जो पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग हैं वो पैसे से दूर है पावर से दूर है वो आज के दिन में उनका शोषण हो रहा उन्हीं के लिए तो हम लोग ये राजनीति में उनको सुरक्षा मिले उन्हें समृद्धि मिले उन्हें सम्मान मिले ये तभी संभव है जब लोग उसमें आएंगे अच्छा जाति की बात हो रही है तो जाति के साथ आरक्षण आ जाता है और आरक्षण पर आजकल आप भी और उधर अपना दल भी सब लोग मुखर होकर बात कर रहे हैं लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही कि आरक्षण की नियति आपकी नजर में कैसी होनी चाहिए क्या होना चाहिए आरक्षण का सिस्टम ताकि समाज में वाकई हर किसी को अपना अधिकार मिले उनको नेतृत्व मिले देखिए आरक्षण की व्यवस्था उन्नीस से पहली बार आई जब अंग्रेजों के समय जो सेकेंड इंडिया बना फर्स्ट इंडिया एक्ट में तो कम से कम वोट से वोट से पावर आने की बात आई सेकेंड इंडिया एक्ट में रिजर्वेशन की बात आई उसमें सूचीबद्ध किया ग्रुप ऑफ कास्ट बना लेदरमैन वाशरमैन फिशरमैन और इकतीस में इकतालीस में उन्नीस में संविधान बन गया देश आजाद हो गया लेकिन चूंकि अंतरिम सरकार थी इसलिए उस समय कुछ कह नहीं सकते हैं और उस समय गिनती नहीं हुई और इक्यावन में और उस पहला चुनाव उन्नीस में हुआ था लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि उन्नीस सौ का जो आरक्षण व्यवस्था उसी को उन्नीस में लागू कर दिया जाए का संविधान जब बना तो संविधान बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से एक एक प्रस्ताव मांगा गया था और नोटिफिकेशन मांगा गया था कि कौन सी जातियां सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस ड्यू टू द दु कस्टम हिस्टोरिकल कस्टम ऑफ अनटचबिलिटी ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए उसको उस फाइल का नाम केंद्र सरकार में पब्लिक फाइल चौहत्तर बट चार उन्नीस सौ पचास वो पब्लिक फाइल ही कांग्रेस ने गायब करा दिया दो हजार बाईस में कि और जातियां न उसका लाभ ले पाए क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ कास्ट समूह कौन होगा उनको आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी तो लेदरमैन वाशरमैन तो मिल गया मैन फिसल गया ऐसे छाछ समूह है सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है छाछ समूह का हिस्सा अकेले लेदरमैन खा रहा जो आरोप आज के दिन में सम, समाजवादी पार्टी पर भी लगता है कि सत्ताईस परसेंट का आरक्षण पर मिल्क मैन का कब्जा है तो वो आरक्षण की जो विसंगति है मैं यही कहूंगा कि जो ये रोड पर, पर पाइपलाइन में डिनोटिफाइड ट्राइब्स है जो आरक्षण व्यवस्था हुआ देश तो आजाद हो गया उनके ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित था जब क्रिमिनल कास्ट घोषित था एफ आई आर दर्ज था कि ये जातियां जन्मजात अपराधी हैं क्योंकि जन्म से तो कोई अपराधी होता नहीं वो भी देश को आजाद कराने में अपराध करना तो ऐसे भी स्वतंत्रता में कहा गया कि चाहे सर से भी देश आजाद हुआ चाहे हिंसा किया जाए चाहे कैसे भी किया जाए तो ऐसी जातियों के ऊपर एफ दर्ज था और वो लेने नहीं गए डीएम और एसपी के ऑफिस पे मिलता था अब लेने नहीं गए पांच साल तो इसे खत्म हो गया उनके वह आजाद हुए 31 दिसंबर 31 इकतीस 31 अगस्त उन्नीस तो को डी नोटिफाइड ट्राइब्स आया वो काला कानून हटा पांच साल सोलह दिन ऐसी जातियां गुलाम रही हैं जो आरक्षण के अधीन रही हैं संविधान में तो ऐसी जातियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और वो आज के दिन में सूची और उसके कोषों दूर है तो पहले तो विसंगति दूर हो जाए ना कि ये जातियां कहाँ रखी जाएंगी ओबीसी में रखी जाएंगी एससी में रखी जाएंगी अनुसूचित जनजाति में रखी जाएंगी ये ट्राइबल की जिंदगी जी रहे जो देश को आजाद कराया हो वो रोड पर ठपकर खा रहा हो और जो उस कांग्रेस के वो पावर ऑफ ट्रांसफर अंग्रेजों के जो राजनीति में आ गए सत्ता में आ गए कांग्रेसी वो अपने लोगों को बांटते रहे रेवड़ी की तरह बाकी लोग ऐसे रोड पर घूमते रहे तो इस विसंगति को दूर होना चाहिए और जिनको एक बार आरक्षण मिल गया हो हुँ. उन्हें स्वतः उनको व्यवस्था होनी चाहिए तो उनको दोबारा में दूसरे जो रोड पर है पूर, जो रिक्शा है जो, के अगर आप एक बार सशक्त हो गए हैं तो फिर दूसरों के हक की बारी आने देना निश्चित रूप से वो खुद तो ही अपने ही समाज का हक मार रहे हैं एक ही घर में सब लोगों को जब भाई बड़े हो गए अवसर मिल गया आपके पास पैसा हो गया आपके पास समृद्धि हो गई तो आपको दूसरे को अवसर मिलना चाहिए और हर जाति को हर जाति को संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए संवैधानिक सुरक्षा मिलना चाहिए केवल अनुसूचित जाति में उनके जाति के नाम से उनको अनुसूचित जाति की संवैधानिक सु, सुरक्षा है खानदानी सुरक्षा है और मतलब वो अनुसूचित वो लोकसभा विधानसभा विधान परिषद और हर जगह लड़ेंगे सुरक्षित रहेंगे खानदानी और जिसका छीन गया खानदानी सुरक्षा वो कहां रहेगा निषाद तो आज के दिन में मझवार गौड़ तुरैया खरवार बेलदार खरोट कोली सात नामों से अनुसूचित जाति उसकी उपजाति को पिछड़ी जाति में डाल दिया गया है तो हमें तो मिलना चाहिए अनुसूचित जाति का भाई उन्नीस सौ इकसठ में जब हमारी गिनती उन्नीस सौ इकसठ में अनुसूचित जाति में हुई और इक्यानवे तक हम अनुसूचित जाति में थे पिछड़ी जाति की सूची में ओबीसी को डालना ही गैर संवैधानिक है यही तो मेरा मानना है और इकतीस दिसंबर दो को पार्टी जब जाते जाते हमें पिछड़ी जात से निकाल दिया राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये केवट बिंद कहा, कानून बन गया है तो ऐसे ये तो ना पिछड़ी में है ना अनुसूचित में है। तो इनको लड़ाई हम लड़ रहे मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसी जातियां जो देश को आजाद कराई हो क्रिमिनल कास्ट से घोषित करके उजाड़ी गई हूं अंग्रेजों को तो ऐसे जातियों को बसाने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए और सबको इनको संवैधानिक सुरक्षा मिलना चाहिए मतलब इन्हें राजनीति में भी आरक्षण मिलना चाहिए ऐसा नहीं है कि एक ही जाति को राजनीति में आरक्षण मिलेगा सबको राजनीति में आरक्षण मिलना चाहिए उनके लोग आरक्षित सीटों पर जाएं और लोकसभा में अपनी आवाज उठाएं उनकी हिस्सेदारी तय करें मेरा कहने का मतलब है था और जिसको एक अवसर मिल गया है उन्हें अब मतलब आरक्षण की उस व्यवस्था से दूर हो जाना चाहिए और अपने निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को आरक्षण की व्यवस्था देनी चाहिए मेरा मानना यह है मेरा सोच है अब यूपी में उपचुनाव है और सुना है की उपचुनाव में आजकल बड़ी प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है।, है क्या ऐसा सब ठीक तो है गठबंधन में नहीं पॉलिटिक्स तो प्रेशर में होता ही है प्रेशर में होता ही चुनाव ही ऐसा चीज है कि हम चुने जाएं हमें लोग चुन लें हमें लोग वोट दे दें हमारे पर विश्वास करें हमारा समर्थन करें हमारी बात मान लें हमारी विचारधारा पा जाए तो ये तो कम से कम ये तो 24 फोर आवर्स का काम है और उपचुनाव का परंपरा रहा भारतीय जनता पार्टी का कि जिस पार्टी का रहता है उस पार्टी को वो चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करते और हमारे एक व्यवस्था हम माने जिसको मित्र मानते हैं मित्र के साथ उसके साथ मित्रवत व्यवहार करते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साथ पार्टी दोनों मिलकर कौन जीत सकता है कौन उसे विन कर सकता है दोनों पार्टियों का कौन पसंद कैंडिडेट हो सकता है उसको हम लोग तय करके लड़ाते हैं उसमें कोई प्रेशर नहीं है प्रेशर जीतने का है कि कम से कम वो भ्रम कैसे दूर हो वो 400 पार हो जाएगा आप तो चार सौ बार रहे कमी शब्दों में अगर मैं एक जवाब चाहूँ केंद्र में आप यूपी में आप आप पूरा पावर में फिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों पड़ रही है आप लोग तो एकदम भाई भाई है ना देखिए आज के दिन में जो आप कह रहे हैं कि यूपी में हम हैं हर जगह हम हैं तो पूरे देश में हमारे निषाद हैं ऐसा नहीं हमारी आबादी 18 परसेंट के आवाज आप नेट पर उठा कर दे सकते हैं बहुत उपजातियों में बटे थे हम किसी भी समाज को सम्मान चाहिए तो सम्मान आज के दिन में हमें निषाद राज के किले से कम से कम वहां निषाद राज राम के किले के हिसाब से हमें एक सम्मान मिला कि हम किस वंश के हैं आज के दिन में किसी समाज को सुरक्षा चाहिए वो राजनीति से संभव है तो राजनीति से मैंने उनको अब रहा समृद्धि की तो कम से कम केंद्र सरकार में रहने से प्रधानमंत्री मत्सपद योजना में जो हमें पैसे सत्तर साल में कांग्रेस ने केवल तीन हजार करोड़ रुपया दिया और साढ़े छह साल के अंदर हमने पूरे देश के मछुआरों के हितों के लिए साढ़े इकतालीस हजार करोड़ रुपया अगर उनके विकास के लिए लाए हो तो ये कम से कम उनका अंतिम पावधान है उत, उनके लिए फ्री का बीमा किसान क्रेडिट कार्ड उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना पहली बार मैंने किया अभी चेन्नई अभी जो है मदुरई में एक जो है फिशरी जो है समर इन्वेस्टर समिट था दो का तो मैं अभी गया था वहां आवाज था कि हर प्रदेश में कम से कम

भद्र है ललितपुर है उसमें दिया तो ऐसे में हमने लगभग उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने पैसा लाया है। तो हमारा कहने का मतलब जो समाज पढ़ेगा वही बढ़ेगा तो पढ़ने के लिए इनके पास पैसा नहीं था उजाड़ दिया था अंग्रेजों ने रोड पर घूम रहे थे खेती न बारी। अब इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कोचिंग के लिए हमने पैसा लाया है तो उसको अब इनको देंगे उनको शिक्षित करेंगे उनको कोच करेंगे उनको बेहतर जो परिणाम होगा व्यापार सिखाएंगे राजनीति सिखाएंगे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे आई एस बनेंगे इसके लिए हमें मिला तो इसलिए इससे सफलता हमें मिला कि कम से कम केंद्र और राज्य में आने से इस समुदाय का जो नाम नहीं लेता था, था कम से कम जय निषाद राज का नाम अब कम से कम सदन में गूंज रहा है कम से कम हर पार्टी निषादों को टिकट देकर जिताकर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहती है तो जो समुदाय एकदम नेफ्ट में था मतलब एकदम सोया हुआ था मरी हुई कौम के रूप में था उसको आज राजनीतिक चेतना दिया और कम से कम आज हर पार्टी सम्मान के साथ इनको देख रही है ये हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा अहम तय था और मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि कम से कम जो समुदाय कहीं उपेक्षित इसके ऊपर दारू पीने का इनके ऊपर अनपढ़ गवार का लेवी लगा था गैर राजनीतिक का लेवी लगा था कौन कौन लेवी लगा था अंग्रेजों ने चोर उचक्का बदमाश कतली लेवी लगा रखा था ये देश को आजाद कराने वाला लेवी नहीं किसी ने लगाया था तो देश का आजाद कराने वाला लेवी लगाने का अवसर हमें मिला इसलिए मैं अपने को सौभाग्यशाली हूं बहुत शुक्रिया संजय जी बातचीत के लिए तो देखिए जाहिर तौर तो पर किसी भी नेता की सामाजिक जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि जब आप सशक्त हो जाते हैं जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि बाकी अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाना और इसी बात का जिक्र संजय जी भी करते हुए नजर आए कि जरूरी है राजनीति में आना अगर आप आपको सशक्त हो गए हैं क्योंकि सत्ता के साथ में ही किसी भी जाति समाज को विकास मिलता है बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए